आपने भी घर में अपने कुत्ता पाल रखा है, तो कुत्ता पालने से क्या होता है? जिन लोगों ने अपने अपने घरों में कुत्तों को पाल रखा है, वो क्या वास्तव में शुभ है या अशुभ? कुत्ता पालने से घर पर संकट आता है या संकट जाता है? कुत्ता पालने से घर में लक्ष्मी आती है या जाती है? कुत्ता पालने से घर में मुसीबतें एक के बाद एक आती हैं या जाती हैं? सारी बातें आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो साथियों, यदि आपने भी अपने घर में कुत्ता पाल रखा है तो ज़रूर इस वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले निवेदन है, विनती है, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी वीडियो का लाभ प्राप्त हो। साथियों, घर में कुत्ते पालने वाले लोगों को बहुत 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 लाभ होता है। घर में जो भी कुत्तों को पालते हैं, उन्हें तीन प्रकार के लाभ होते हैं, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन लाभ होते हैं। वो क्या हैं? वो लाभ भी बड़े चौंकाने वाले होते हैं। तो अगर आपने अपने घर में कुत्ता पाल रखा है तो सबसे पहला लाभ जो होता है वो यह होता है कि घर की जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो समाप्त होती है, और कुत्ता जिस भी घर में होता है, निश्चित मानकर चलें कि या जहाँ पर भी कुत्ता होता है तो उस जगह पर नकारात्मक ऊर्जा तो नहीं रहती। साथ ही साथ अगर नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करने लगे तो कुत्ता उसे भौंक भौंक कर भगा देता है, यानी कि आपका रक्षा भी करता है। तो कुत्ता पालना इस प्रकार से घर में बहुत शुभ माना जाता है। दूसरा जो फायदा यह है कि अगर काला कुत्ता आप घर में पालते हैं तो इससे शनि और केतु, ये दोनों ग्रह आपको शुभ फल देना शुरू कर देते हैं। तीसरा जो फायदा है कि जिन घरों में कुत्ता पला होता है, जो घर के लोग कुत्ते को बहुत प्रेम करते हैं, ऐसे घरों में यम दस्तक नहीं देते, मौत टल जाती है। जिन घरों में कुत्ते होते हैं पले हुए, उन घरों के जो सदस्य हैं वो सुरक्षित रहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, यम भी उन पर प्रसन्न रहते हैं और मौत टलती है। कुत्ता जहाँ पर होता है वहाँ पर निश्चित मानकर चलें, जो लोग भी कुत्ते को प्यार करते हैं, भोजन देते हैं, तो उनके जीवन में कभी भी संकट नहीं आता और हादसे नहीं उनके जीवन में आते हैं। वो जीवन में हमेशा निर्भीक रहते हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है। और ध्यान रखें, जो भी व्यक्ति कुत्तों को पालना तो दूर है, जो कुत्तों को मारते हैं, जो कुत्तों को डंडे से लो या जान से मार देते हैं, ये समझ लो गाय से भी बड़ा पाप कुत्ते को मारने से होता है। जो लोग कुत्ते को पत्थर से, डंडे से, यहाँ तक कि भाले से आक्रमण करके उसके क्षति, शरीर की क्षति करते हैं, ऐसे लोगों की संतानें जो हैं वो निकम्मी तो निकलती ही निकलती हैं, और बुढ़ापे में ऐसे लोगों को ये समझ लो कुत्ते की ही मौत मरना पड़ता है। बिस्तर पर रगड़ रगड़ कर, शरीर में कीड़े पड़ कर ऐसे लोग मरते हैं। इसलिए कुत्ते को मारना नहीं चाहिए, और भले ही कुत्ता आप घर में ना पालें लेकिन रास्ते में कुत्ते मिल जाएं तो ज़रूर उन्हें भोजन दें, बिस्किट दें, जो भी खिलाना हो ज़रूर शनिवार के दिन खिलाएं। इससे तमाम प्रकार के आपको लाभ प्राप्त होते हैं और ग्रह भी आपसे जो अशुभ हैं वो शुभ प्रभाव देना शुरू कर देते हैं अपना। तो कुत्ता पालना घर में वास्तव में बहुत अच्छा है, और कुत्ता जो है सबसे बड़ी चीज़ आपको काम, क्रोध और भय से मुक्ति दिलाता है, क्योंकि कुत्ते में
जो ग्रहों का प्रभाव है वो शनि, राहु और केतु, इन तीनों का अशुभ प्रभाव समाप्त होता है पालने पर, और शनि जो है उनकी कृपा बनी रहती है। राहु जिन घरों में कुत्ता होता है उन घरों के लोग आलसी नहीं होते, और खासकर अगर काला कुत्ता आपने पाल रखा है तो यह बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। ऐसा कुत्ता सौभाग्य में वृद्धि करता है। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, आपके घर में किस रंग का कुत्ता है अगर उसका फल पूछना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।